रिश्ता स्थित श्री नारायण धाम मंदिर के नव निर्मित प्रांगण एवं पुष्प वाटिका का लोकार्पण स्वामी केशवानंद महाराज ने अपने हाथों से दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें त्रिमान चौधरी समेत अन्य सुप्रसिद्ध भजन कलाकारों ने अपने मधुर कंठ से भक्तिमय भजन गाकर उपस्थित भक्तों का भक्ति भाव में पिरोया। इस विशेष मौके पर रिश्ता के जाने माने सुप्रसिद्ध सलाहकार चिकित्सक तथा मंदिर के ट्रस्टी प्रदीप कुमार अग्रवाल समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि पुष्प वाटिका का निर्माण स्वर्गीय सेवायत राम निवास सिंह की स्मृति में हुआ है। उन्होंने कहा कि नव निर्मित प्रांगण तो अभी शुरुआत है, उनका उद्देश्य मंदिर को एक विशाल एवं भव्य रूप देने का है। आज यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज नारायण धाम रिसोड़ा में हम लोगों ने मंदिर का बाहरी रूप और मंदिर की साज सज्जा, बाउंड्री वॉल और हम लोगों ने उसका एक पुष्प वाटिका का निर्माण किया है, उसका आज लोकार्पण समारोह हम लोग करने जा रहे हैं। वह यहाँ के प्रमुख स्वामी जी स्वामी केशवानंद जी के द्वारा होगा, उसके बाद भजन कीर्तन होगा और इसका जो पुष्प वाटिका जिन्होंने बनाया है वह हमारे पुराने सेवायत श्री राम निवास सिंह जी की स्मृति में बनाया गया है। आपका नाम और पद? मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल है। मैं यहाँ के ट्रस्ट का मैं भी एक ट्रस्टी हूँ।